हेलो एंड वेलकम टू व्हाट नेक्स्ट अगेन। आज मैं एक गेम बनाने की कोशिश करने लगा हूँ जिसको पियानो टाइल्स के नाम से आप सब जानते होंगे, और आप इस गेम की तस्वीरें इंटरनेट पे देख सकते हैं। मैं अभी वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये गेम बनाने का मकसद ये है कि मैं इसके बाद एक ऑटो क्लिक बॉट बनाना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं पहले एक गेम बनाऊंगा जो कि बिल्कुल सिंपल होगा, इसमें सारी वो वाले फंक्शंस नहीं होंगे जो ओरिजिनल गेम में है। तो अभी मेरे पास एक सिंपल सेटअप है, एक पियानो टाइल्स की फाइल है, मेरे पास जावास्क्रिप्ट की एक टाइल्स की फाइल है, और दोनों को मैंने यहाँ पे इंडेक्स किया हुआ है, टाइल्स और मेरी ये वाली पियानो टाइल्स वाली फाइल। तो उसके अंदर फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैंने अपना ये तो टेक्स्ट है जो मैंने अभी शो कराया हुआ है जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। उसके अलावा मैंने सिर्फ बैकग्राउंड लिया हुआ है और कुछ लाइंस शो कराई हैं। तो अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर ये लाइंस आ जाएंगी। तो कुछ लाइंस शो कराएंगे जो कि सिर्फ क्या है कि डिफरेंट मैंने यहाँ पे एक एरे ली है, या 50.0 से हाइट कॉमा 0 तक, 150.0 से हाइट कॉमा 150 तक, और इसी तरह से चारों पांचों लाइंस बनाई हैं। तो ये चार कॉलम्स हो गए मेरे पास। मुझे अब इन चारों कॉलम्स में मुझे ये करना है कि मुझे मज़ीद टाइल्स को शो कराना है या टाइल्स को लाना है या ऊपर से नीचे तक, जैसे टाइल्स मूव होती हैं। तो अभी हम सबसे पहले टाइल्स में आ जाते हैं। तो टाइल्स जो मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होगा इसका वो बना लेते हैं। अच्छा, तो टाइल्स को एक तो सबसे पहले उसको जो भी टाइल आएगी उसको पता होगा कि मैं किस कॉलम में आ रही हूँ, तो यानी कि उसको पता होगा कि कौन सी उसकी एक्स है, क्या उसका एक्स है। और दूसरा उसको ये पता, उसको ज़ाहिर है मूव करना है तो ऊपर से नीचे तक मूव करेगी वो, तो ज़ाहिर है फिर उसे ये भी पता होगा कि उसका वाई क्या है, क्योंकि कंटिन्यूसली मुझे उसको नीचे लाना है मूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये दो चीज़ें हो गई। अगर फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम इसको ऐड कर लेंगे। दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस डॉट वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा मुझे चेक करना है, इसको मुझे शो कराना है ज़ाहिर है, ठीक है। और इसके अलावा इसको मूव करवाना है, ये भी एक फंक्शन होगा। लेट्स जस्ट ऐड इन्वर्टेड सेमी कॉलन। इसके अलावा क्या होगा कि चलें पहले तो हम इसको शो ही करा लेते हैं ना। तो जो मेरा शो का फंक्शन होगा, मुझे इसमें क्या करना है, मैंने हमेशा जिस भी कॉलम की ये लाइन, जिस भी कॉलम पे मैं इसको कॉल करूँगा वहाँ पे एक टाइल बनानी है मुझे, इसमें इसमें या इसमें। तो मुझे क्या करना है कि आई जस्ट हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइल होगी ब्लैक, ठीक है। उसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल, तो वो बनेगा कहाँ से, दिस डॉट एक्स कॉमा दिस डॉट वाई पर, और उसकी एक सर्टेन विड्थ होगी और एक सर्टेन हाइट होगी जो कि मैंने अब तक ग्लोब को कॉल नहीं किया है। तो मैं इधर जाके विड्थ टाइल की और हाइट टाइल की, विड्थ होगी मेरी ज़ाहिर है कि टाइल तो एक पूरे कॉलम जितनी होगी, तो वो मैंने 100 रखी है 100, और लेट्स जस्ट मेक दिस टाइल लाइक 150 160 समथिंग, लाइक जस्ट मेक 160। तो अब जब भी मैं एक टाइल शो कराऊंगा तो दिस डॉट एक्स वाई पे बन जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट्स जस्ट टेक एक हम एरे ले लेते हैं जो हम पिछली एग्जाम्पल्स में भी करते हुए हैं, टाइल्स, एक एम्प्टी एरे ले लेते हैं। आज मेरे ब्रैकेट्स पता नहीं क्यों आगे पीछे हो रहे हैं। तो टाइल्स जीरो पे हम एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टाइल्स क्या नाम रखा था मैंने उसका, टाइल्स, और जो कि होगा कहाँ पर, जो कि होगा मुझे उसका एक्स और वाई देना है ना। अच्छा, मैं फ़िलहाल के लिए हम दे देते हैं, फ़िलहाल के लिए हम दे देते हैं, मुझे पता है कि वो 50 पे है, 50.0। तो एक्स और वाई मैं अगर इसको फ़िलहाल दे लूँ, और फिर मैं टाइल्स डॉट शो को कॉल करूँ तो इट शुड नाउ मेक अ टाइल हेयर, यहाँ सही है। तो टाइल थोड़ी लंबी लग रही है मुझे, तो लेट्स जस्ट मेक इट 140, हाँ आई विल मेक इट 150। और उसके अलावा ये थोड़ी लाइन पे भी आ रही है तो मुझे इसकी विड्थ, दोनों लाइनों पे आ रही है तो 2 पिक्सल छोटी कर लेते हैं, और जहाँ मैंने इसको बनाया है वहाँ पे इसको मैं 1 पिक्सल राइट पे बनाना चाहता हूँ,
तो हाँ नाउ इट्स ओके। तो ये तो एक टाइल हो गई। अच्छा ये हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार इसको यूं तो नहीं दे सकता 50,0 50,0, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं वी कैन जस्ट टेक लाइक रोज, एक रो की लिस्ट ले लेते हैं और एक कॉलम्स की लिस्ट ले लेते हैं। अच्छा कॉलम्स की लिस्ट में, कॉलम्स की लिस्ट मुझे लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि वो लाइंस मैंने बनाई हुई है, ले लेते हैं अभी, फिर उसको बाद में देख लेंगे अगर मुझे कुछ होगा तो। पहला कॉलम है 50 पर, दूसरा है 150 पर, तीसरा है 250 पर और चौथा है 350 पर। तो ये चारों कॉलम इस ये ही एक्स होगा। तो अगर मैं अब यहाँ पे जाके कॉल कर भी लेता हूँ, लेट्स जस्ट से फॉर नाउ रैंडम कॉलम्स और 0 पर, तो मैं चलाता हूँ तो ये, अच्छा ये क्योंकि मैंने इसको ड्रॉ फंक्शन में कॉल किया हुआ है तो ये इस तरह से कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। और अगर मैं इसको ही इन दोनों चीज़ों को मैं ये टाइल्स को बनाने के लिए सिर्फ मैं यहाँ चला जाता हूँ और बस फिर इसको शो करा लेता हूँ, तो अभी कहीं पे भी हर बार जब भी मैं इसको रन करूँगा तो एक नए कॉलम में रैंडमली आता रहेगा। ठीक है ये बात हो गई। अब मुझे इसका एक मूव फंक्शन भी है जो जाहिर सी बात है इसको मूव नीचे कराएगा। तो इसमें मुझे सिंपली क्या करना है, इसमें मुझे सिर्फ ये करना है कि दिस डॉट वाई इज इक्वल टू दिस डॉट वाई, अभी के लिए 2 पिक्सल्स नीचे करना है हमने इसको। तो अगर मैं फिर इसको यहाँ पे टाइल्स 0 डॉट मूव करवा दूंगा कॉल, तो ये हाँ मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है तो एक सिंपल बेसिक सा वो हमारे पास रेडी होता जा रहा है। और ये जाहिर सी बात है अभी नीचे जाके रुकी नहीं है, तो ये इससे हमें पता लग गया कि एक और चीज़ हमें जो करनी है, लेट्स जस्ट स्टॉप दिस, कि मुझे ये पता लगना चाहिए कि क्या मेरी टाइल नीचे तक पहुंच चुकी है। दिस डॉट हम इसको कह लेंगे रीच्ड बॉटम। ये एक फंक्शन होगा जिसमें हम देखेंगे, चेक करेंगे क्या ये नीचे पहुंच गई है। तो इसमें भी बेसिकली हमारे पास कुछ इतना खास वो नहीं है, तो मैं चेक कर सकता हूँ दिस डॉट, अच्छा दिस डॉट वाई, या यूँ कर लेते हैं इफ दिस डॉट वाई प्लस हाइट, नहीं हाइट नहीं, एच एच इज ग्रेटर देन हाइट। तो यानी कि अगर कोई भी टाइल का वाई प्लस उसकी जो टोटल हाइट है वो हाइट से ज़्यादा हो जाती है, यानी वो नीचे पहुंच जाती है, तो मैं कह सकता हूँ कि रिटर्न ट्रू। अभी जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो वो हो जाएगा कि दिस डॉट रीच बॉटम। और यहाँ पे अगर मैं चला जाता हूँ अपनी पियानो टाइल, चाहिए क्या मसला है, मिसिंग सेमी कोलन हियर, अच्छा रिटर्न टू के बाद नहीं आएगा, सॉरी आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। दिस डॉट बॉटम रीच बॉटम इक्वल टू, ओहो अच्छा अच्छा सॉरी मैं इधर ये करना भूल गया हूँ। आई थिंक नाउ इट इज़ ओके। और रिटर्न के बाद मुझे भूल गया है कि लगाना होता है या नहीं, नहीं लगाना, नहीं लगाना है मेरे ख्याल में। इट्स ओके इट्स फाइन इट्स नॉट नॉट एन एरर। तो अच्छा अब यहाँ पे जाके हम चेक कर लेते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं। इफ़ वी कैन कॉल दिस फंक्शन इफ टाइल्स 0 डॉट रीच्ड बॉटम, तो फिलहाल के लिए क्या करें, यू कैन जस्ट टेक कॉन्सोल डॉट लॉग रीच्ड बॉटम। तो फिलहाल के लिए हमारे पास बस प्रिंट कर दे रीच्ड बॉटम, तो ये नीचे पहुंची जैसे ही, तो यहाँ पे हमारे रीच बॉटम आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसको रिटर्न ट्रू करने के बजाय, अच्छा मैं इसको वैसे बजाय इसको
सिंगल लाइन में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये तो मुझे अभी इफ स्टेटमेंट यहाँ से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से भी वो चल जाएगा, आई थिंक चलना चाहिए। अच्छा, एक और काम मुझे करना है कि मुझे जैसे ही ये नीचे पहुँचे तो शुड स्टॉप, या मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि ज़ाहिर है मुझे गेम ओवर का कोई टाइप का करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो, फिर मैं क्या करते हैं अब यहाँ पे, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, मैं यहाँ पे कोई एक लाइक गेम ओवर टाइप का फंक्शन बना लेंगे हम, जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स जस्ट मेक इट्स टेम्पलेट राइट नाउ, फंक्शन गेम ओवर बनाएंगे इसको, अभी फिलहाल तो नहीं बना रहे। अच्छा, मुझे ये करना है, मुझे एक और फंक्शन करना है जो कि मुझे पता लगा, पता चले कि क्लिक हुआ है उस पर या नहीं। तो उसके लिए तो हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है माउस प्रेस्ट का, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ये इसी लाइब्रेरी का हिस्सा है, p5.js लाइब्रेरी का हिस्सा। तो ये जब भी क्लिक होता है, प्रेस माउस का क्लिक प्रेस होगा तो ये फ़ौरन फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही मेरे पास ये फंक्शन कॉल होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या टाइल पे क्लिक हुआ है या नहीं। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए इस पे अभी क्योंकि मैंने बनाया, चलें खैर कर लेते हैं टाइल्स। अभी फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक जीरो डॉट क्या करूँ मैं, इसमें क्लिक्ड का एक फंक्शन बना लेते हैं, क्लिक्ड का एक फंक्शन बना लेते हैं कि क्लिक हुआ है उस पे या नहीं। तो वो भी हमें यहाँ पे जाके बनाना पड़ेगा, दिस डॉट क्लिक्ड के नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। और इसमें मुझे क्या करना होगा, ये फिर से मैंने वही वाली गलती की है, इज इक्वल टू फंक्शन फंक्शन। तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे ये चेक करना है कि जिस वक्त क्लिक हुआ है क्या मेरा माउस उस वक्त टाइल के बीच में था या नहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इफ माउस एक्स, बेसिकली मुझे टाइल की दोनों बाउंड्रीज ऊपर लेफ्ट एंड राइट और टॉप और बॉटम के बीच में माउस चेक करना है, तो माउस का एक्स और वाई मैं चेक कर सकता हूँ कि माउस एक्स ग्रेटर होना चाहिए दिस डॉट एक्स से, एक्चुअली दिस डॉट एक्स प्लस वन से, क्योंकि मैंने वो प्लस वन भी वहाँ पे बनाया है। और उसके साथ साथ माउस एक्स शुड बी लेस देन दिस डॉट एक्स प्लस विड्थ, उसकी विड्थ से कम भी होना चाहिए। ये तो हो जाएगा कि लेफ्ट और राइट चेक कर लेगा इसका। इसके अलावा साथ में मुझे ये भी चेक करना है कि जस्ट कॉपी टॉप और लेफ्ट एंड राइट तो चेक कर लिया है, टॉप और बॉटम भी चेक कर लेते हैं। इसको मैं अगली लाइन में लिख लेता हूँ ताकि, अच्छा माउस वाई को मुझे क्या चेक करना है, माउस वाई इज ग्रेटर देन दिस डॉट वाई, इट डजंट हैव टू ऐड वन इन इट, एंड माउस वाई शुड बी लेस देन दिस डॉट वाई प्लस हाइट ऑफ द टाइल। तो अगर ऐसा है तो उस वक्त वक्त क्या करना चाहिए मुझे, फिर उस टाइल को वहाँ से हटा देना है। तो मतलब उसके लिए फिर मैं एक और फंक्शन हम बना लेते हैं, दिस डॉट रीसेट कॉल कर लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा इस फंक्शन में हम बना लेते हैं इस फंक्शन को, दिस डॉट रीसेट इज इक्वल टू फंक्शन। तो इस फंक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ, इस फंक्शन में हम ये कर सकते हैं कि सिंपली टाइल को वापसी हम ऊपर कर सकते हैं। तो दिस डॉट हम उसका एक्स और वाई वापस चेंज कर देते हैं ना, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू रैंडम कॉल्स एंड दिस डॉट वाई इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज वाई हमने अभी चेंज, वाई के लिए अभी मैंने कोई ऐसा चीज़ की नहीं है। तो जब भी इसके अंदर क्लिक होगा
तो वो चेक कर लेगा। लेट्स सी। हाँ देखिए, जब भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये टॉप से शुरू हो जाता है रैंडमली किसी भी एक उससे, ठीक है। और ये जब नीचे पहुँचेगा तो ये, खैर अभी तो मैंने उसके लिए कोई गेम ओवर का फंक्शन लिखा नहीं है, तो गेम ओवर के फंक्शन में मैं सिंपली फ़िलहाल के लिए कर सकता हूँ नो लूप। तो अगर अभी नीचे पहुँचेगा तो रुक जाएगा। सही, ठीक है ठीक है ठीक है, ये रुक जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ हो गई तैयार। अब मुझे मल्टीपल टाइल्स लेनी है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि सेटअप फंक्शन में बजाय इसके मैं कुछ टाइल्स, अच्छा मुझे अनलिमिटेड टाइल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिला वजह मेमोरी ही लेंगी। तो i लेस देन, लेट्स जस्ट से फॉर नाउ चार कॉलम से चार ही ले लेते हैं, क्योंकि मैं उसे वापस वापस रीसेट ही करना है। और i प्लस प्लस वाली लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, और इधर हम कर देते हैं आई। सही है, तो ये चार बना देगी हमारे पास, ये वाला लूप हमारे पास चार ऑब्जेक्ट्स बना देगा टाइल्स के। एंड देन आई कैन जस्ट गो हियर एंड कॉपी all of this here, remove this line of for now, let's just auto format this, it will be i, this will also be i and this will also be i। तो ये spawn करेगा चारों को और फिर check करता रहेगा। अच्छा, click सिर्फ एक ही को check कर रहा है, क्योंकि मैंने click वाले function में check नहीं, इधर मैंने लूप नहीं डाला। तो अब ये सबको क्लिक चेक करना शुरू चाहिए इसको। अच्छा सॉरी, अभी भी एक को ही कर रहा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं किया। ठीक है, अच्छा ये कुछ अभी ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस रोज़ के फंक्शन में जब भी ये स्पॉन हो तो इनकी एक्स की वैल्यू भी मैं सॉरी वाई की वैल्यू भी रैंडमली कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो ऑफ स्क्रीन स्पॉन हो, स्क्रीन पे स्पॉन ना हो, तो मैं इनको कुछ लाइक -250 से लेके -250, -350, -450, -550 एंड -650, या एक और ले लेते हैं -750, चांसेस कम हो कि वो वहाँ स्पॉन हो। और फिर मैं जब ये स्पॉन टाइल्स को मैं बना रहा हूँ यहाँ पर रैंडम, क्या रोस, ठीक है, और उसके अलावा मेरा जहाँ पे रीसेट फंक्शन है इसमें भी मैं जाके रैंडम रोस, ठीक है। तो अब जब भी मेरे पास टाइल्स आएंगी, ये टाइल आई, ये ऊपर चली गई है, ये भी ऊपर चली गई है, ये अब ऊपर जाके स्पॉन हो रही है सारी, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंक्शन मेरे ख्याल में एक गेम हमारे पास, आई थिंक ये मेरे लिए बहुत होगा, ये मेरे ख्याल में बहुत है। अगर ये नीचे पहुंच जाएगा तो गेम मेरा रुक जाएगा, ठीक है, आई थिंक ये बहुत है। तो इंशाल्लाह अगली बार फिर हम इस पे बॉट अप्लाई करेंगे। ये सिंपल गेम है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मैंने वो चीज़ें ऐड नहीं की हैं कि उसके जो फंक्शंस हैं जो जो उसमें चीज़ें थी वो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं की है, मे बी समवेयर नियर फ्यूचर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी, आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।